हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर चैनल ऑन जापान। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल पे। आपको तो पता ही होगा कि मेरे इस चैनल पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं जापान आने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपडेट के लिए कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जापान ने कौन कौन सी कंट्री को बैन कर रखा है, यानी कि आज से मतलब स्टार्ट हो जाएगा 28 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा बैन। यानी कि इस कंट्री से अब लोग जो भी आएंगे थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, 100% फिलहाल वे बैन नहीं रखा गया है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कंट्री होगी। सबसे पहले जो नाम है दोस्तों वो है साउथ अफ्रीका, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नए कोरोना वायरस का वेरियंट फैल रहा है। इसकी वजह से साउथ अफ्रीका से जो भी आ रहे हैं उनके लिए बैन है। बैन मतलब 100% नहीं है, कुछ पैसेंजर्स आ भी रहे हैं लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा जापान के लिए। तो दूसरा जो कंट्री है वो है जिम्बाब्वे, ये भी अफ्रीका का एक कंट्री है जैसा कि आपको पता होगा। तीसरा जो है दोस्तों वो है बोस्तवाना, ये भी कंट्री है जहां से बोस्तवाना से भी बहुत लोग जो है जापान में रहते हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा सैड न्यूज़ है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, 100% बैन नहीं किया गया है। चौथा है दोस्तों मोजाम्बिक, मोजाम्बिक भी काफ़ी बिजनेस का प्लेस है, आप लोगों को भी पता है कि काफ़ी इंडियंस वहाँ पे रहते हैं मोजाम्बिक में। तो काफ़ी मोजाम्बिक से जो है जापान आते हैं तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, बिकॉज न्यू वायरस का जो वेरिएशन आया है, नया वाला जो है काफ़ी फैल रहा है दोस्तों। चौथा है दोस्तों मालावी, पांचवा है इस्वातिनी, इन दोनों को भी बैन कर दिया गया है दोस्तों। और इसके अलावा जो सातवा है लासेथो को भी बैन कर दिया गया है। आठवा है नाम्बिया, जी हाँ नाम्बिया से भी बैन कर दिया गया है दोस्तों, बिकॉज नाम्बिया से भी बहुत सारे इंडियंस जो है या फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से आना जाना होता है, काफ़ी बिजनेस सिलसिला होता है जापान के बीच और नाम्बिया के बीच। तो उन लोगों को फिलहाल स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, 100% बैन नहीं लगा दिया गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कुछ ही दिन में, अगर ये वेरियंट नहीं रुका, बहुत स्पीड में बढ़ता रहा, स्प्रेड हुआ, तो इसका मतलब अफ्रीका को फिलहाल बैन कर दिया जाएगा दोस्तों। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं वो डर गए हैं कि सर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो एशियन कंट्री है यहाँ से भी मैंने सुना है कि इमरजेंसी जब लग जाएगी तो हमारी भी एंट्री बंद हो जाएगी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसी कोई भी न्यूज़ ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है और मुझे जैसा लग रहा है कि ऐसा कोई भी अभी फिलहाल कोई इमरजेंसी या फिर कुछ ऐसा एशिया के लिए नहीं लगने वाला है फिलहाल, क्योंकि जापान ने काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है वायरसेस को और केसेस 9-10 केसेस ही आ रहे हैं पूरे कंट्री में। शायद 2-3 दिन पहले कुछ बढ़ गया था, 27 से 28 हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल फुल्ली कंट्रोल में है। जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं, यहाँ के मार्केट्स ठीक हो रहे हैं और यहाँ पे लेबर शॉर्टेज काफ़ी चल रही है, जिसके लिए जापान को अपना बॉर्डर ओपन रखना ही होगा। हाँ ये है कि क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया है, नॉर्मल नहीं किया गया है, 5000 किया गया है, लेकिन बहुत जल्दी जो है क्वांटिटी दोबारा से बढ़ा जाएगा। थोड़ा ये मायूस करने वाला न्यूज़ है दोस्तों कि अफ्रीका के लिए बंद कर दिया गया एंट्री। तो काफ़ी एशियन कंट्री जो है वो काफ़ी डर गई है कि फिर से जापान जो है इमरजेंसी ना लगा दे इन वजहों से। देखिए जापान के अंदर कोई इशू तो है नहीं, तो इमरजेंसी लगने का सवाल पैदा नहीं होता। अदर कंट्रीज़ में इशू है तो वो जापान ज़्यादा क्या करेगा, उसके लिए बॉर्डर्स को बंद कर देगा, तो वहाँ से जो वेरियंट है जापान में इंटर नहीं करेगा। तो उसके लिए कोई आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जापान ओपन है फिलहाल, अभी ओपन ही रहेगा, क्योंकि जापान भी इकोनॉमिकली जो है काफ़ी डैमेज हो चुका है। इसकी वजह से जापान को जो है अपने आप को कंट्रोल करके लोगों को बुलाना होगा। टूरिज्म भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेके आऊँगा, ऑफिशियली अपडेट लेके आऊँगा, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि कौन से मंथ से जो है टूरिज्म स्टार्ट होगा दोस्तों। आज तक के लिए और अभी तक के लिए जितने भी न्यूज़ आप लोगों ने सुना हुआ है, निगेटिव न्यूज़ सुना है, अपने दिमाग से हटा लीजिए। जापान अभी फिलहाल कोई भी इमरजेंसी लगाने के पक्ष में नहीं है, जापान बंद नहीं हो रहा है, बल्कि जापान धीरे धीरे करके और भी ओपन हो रहा है। यहाँ की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, आप लोगों को टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी फेक न्यूज़ के चक्कर में आप लोग ना पड़ें और कभी भी निगेटिव ना सोचें। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने मुझे अपना नया नया वीज़ा भेजा है, मुझे ईमेल्स किया कि सर मुझे आपके गाइडलाइन से मुझे मिल गया है, मेरा वीज़ा स्टैंपिंग हो गया है। तो बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू, आपने मुझे मेल किया है और आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग फटाफट जापान आओ, स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट जिनको मिल चुका है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनको नहीं मिले हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ समय के बाद उनको भी मिल जाएगा दोस्तों। तो ये न्यूज़ यहीं तक थी, अगले वीडियोज़ में मैं आपको और भी कुछ अपडेट दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।